जीसी नेट के स्टूडेंट हो, चाहे वो डी ट्रिपल एस बी के स्टूडेंट हो, इन सभी स्टूडेंट से मैं ये इतना ही कहूंगा कि भाई कि सारे के यूनिट में एक टॉपिक मेंशन किया जाता है, वह है समाजशास्त्र। और समाजशास्त्र के संबंध में किसी भी एग्जाम में, जहां पे सोशल वर्क हो वहां पे समाजशास्त्र आएगा, और जहां समाजशास्त्र है वहां पे तो पूछा ही जाएगा, है ना। तो मैं चाहूंगा कि क्लासेस समाजशास्त्र वाली इस समय जो चलाई जा रही है, एक दोपहर 1 बजे चल रही है और एक क्लास शाम को चल रही है 8:30 बजे से। इस समय मेन विद्वान, उसके किताब कौन सी इंपॉर्टेंट है, उसकी कौन से सिद्धांत आए हैं, और उन सिद्धांत को एक लाइन में केवल ये बताने की कोशिश की जा रही है कि किससे रिलेटेड है, तो वो भी क्लासेस आप लोग देखिए। और अभी जो हम लोग जिक्र करने वाले हैं, ये सोशियोलॉजी का जो आप प्रश्न पत्र देख रहे हैं, समाजशास्त्र का प्रश्न पत्र नंबर 3 देख रहे हैं, सेकंड वाला मैंने सॉल्व करवा दिया है, और ये यूजीसी नेट का पेपर है। ये यूजीसी नेट सोशियोलॉजी का प्रश्न पत्र है, जून 2012 का है। तो मैं प्रश्नों के साथ साथ आप लोगों को थोड़ा सा व्याख्या भी बताऊंगा, उसको भी आप समझने का प्रयास करिएगा, और जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसको भी आप लोग नोट करिएगा। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है, कहता है कि निर्जातीय कार्य प्रणाली वेताओं के अनुसार लोग किस प्रकार के तर्क का उपयोग करते हैं। देखिए, जितने भी निर्जातीय है उस परिपेक्ष में पूछा गया कि कार्य प्रणाली वेताओं के अकॉर्डिंग कि लोग किस प्रकार के तर्क का उपयोग करते हैं। आगमनात्मक है और निगमनात्मक तर्क ना है, या तर्क है और एक व्यवहारिक है, और किसी तर्क का उपयोग ना करते हैं, यानी नहीं करते हैं। तो सही जवाब क्या होना चाहिए इस प्रश्न का, जवाब बताइए। व्यवहारिक होता है। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट चला गया है, और ऑप्शन सी ही करेक्ट है। यदि ऐसे ज्ञान की खोज के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है जिसकी व्यवहारिक समस्याओं को हल करने में उपयोगिता है, तो इस व्यवहारिक तर्क के रूप में हम इसको जानते हैं। तो ज्ञान की खोज क्या लोगों की आवश्यकताओं एवं कल्याण के साथ निश्चित संबंध पाया जाता है, इसलिए इसका जो जवाब जाएगा वह ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट माना जाएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे हम यहाँ पे फिर दूसरे सवाल पर। कहता है कि संवेदात्मक विश्लेषण निम्नलिखित पद्धतियों में से किसका भाग है। तो मुझे लग रहा है मैंने ये सारे सवाल सॉल्व करवा रखा है MPPSC में। यस सर, 25 तक करवाया था। नहीं, करवाई भी है सर, ये पूरा करवा दिए, कंप्लीट करवा दिया है। 75 क्वेश्चन लास्ट का दिखाइए तो याद आ जाएगा। एक मिनट, आप लास्ट वाला क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, तो मैं दूसरा क्वेश्चन पेपर ले लूंगा ना, अगर सॉल्व करवाया हूं तो, है कि नहीं। इसीलिए देखिए ये 46 नंबर का सवाल आ गया भाई यहाँ पे। एक सवाल ये देखिए, नहीं सारा नहीं किया गया है इसमें, इधर म्यूट रहिए, देखिए एक तरफ बैकग्राउंड आवाज आ रही है। ये देखिए संस्कृति क्रम में किससे रिलेट होता है, ये एक सवाल है, ठीक है। और यार ये किसने सिद्ध किया है कि प्रयास किया है कि भारतीय समाज शास्त्र में अनुभाविक समाज शास्त्र जो है संभव नहीं है, है ना। दिख रहे हो आप लोग, नहीं ये नहीं किया गया है, आई थिंक नहीं करवाया सर, ये लास्ट में नहीं करवाया। तो इसका मतलब है 20 तक हम लोगों ने शायद किया है, या शुरुआत से करवा दे फिर, आप बताओ सर। जल्दी ले लीजिए 25 तक के, जल्दी ले लेता हूँ, चलो ठीक है, ये भी व्याख्या नहीं करूंगा फिर, ठीक है, चलो बढ़िया है, इसको भी कर लेते हैं इस तरीके से, है ना। चलो अब देखिए प्रश्न नंबर 3, कहता है जाति कार्य प्रणाली का प्रथम बार प्रयोग कब किया गया, बता दो जल्दी से फिर, अगर करवा रखा है तो जल्दी बता दीजिए। 1940 का दशक है ना, निर्जातीय कार्य प्रणाली का प्रथम पहली बार प्रयोग जो हुआ था 1940 का दशक था। फिर कहता है 4 में कि आधुनिक समाज में आत्म या स्वयं उसी प्रकार के पवित्र वस्तु बन जाता है जैसे कि प्राचीन समाजों का सामूहिक प्रतीक होता है, यह विचार किस विद्वान के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, सही जवाब बता दो, तो जॉर्ज मेड का आता है कि नहीं। बात करते हैं द सोशल कंस्ट्रक्शंस ऑफ रियलिटी नामक की किताब आई, बड़ी फेमस रही है ये किताब, है ना। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, तो मैंने बर्गर और लकमैन दोनों का नाम आता है, और मैंने आप लोगों को सुमिलित करने वाला भी एक सवाल था, मैंने वहां पे भी बताया था।
है ना। क्वेश्चन नंबर सिक्स आप लोग देख लीजिए, जो सोशल कंस्ट्रक्शंस ऑफ रियलिटी है आप उसको मैच करिए सीधा सीधा। तो अभी अभी देखिए आपने लोगों ने लगाया है और एक का तीन जिस ऑप्शन में होगा तेरी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। ये देखिए एक फिनोमिनोलॉजी एक है, इसके बारे में अगर कोई विद्वान का नाम आता है तो आप याद रखिएगा अल्फ्रेड सूजर का नाम आता है, अल्फ्रेड सूटर्स का नाम आता है। डी ट्रिपल एस बी का ये सवाल है, डी ट्रिपल एस बी का ये सवाल है, 2019 में पूछा गया सवाल था। वहां पे लिखा जो गया था वो घटना विज्ञान लिखा हुआ था, प्रघटना विज्ञान के रूप में ये जाना भी जाता है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं रिलेट करा सकते हैं जो है प्रो सेंटेंस ऑफ सेल्फ एंड एवरीडे लाइफ को लेकर, तो यहाँ रिलेट करते हैं एरविन गॉफमैन का नाम आ जाएगा, और ये स्टडी इन एथनोमेट्रोलॉजी को लेकर अगर बात करते हैं तो हेराल्ड गॉरफिंकल का नाम आ जाता है ना, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो सही ऑप्शन तो जो गया वो सी गया है। अच्छा ये देखिए एमपीपीएससी के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यूनिट नंबर 5 ही नौ प्रकारवाद पर बेस्ड है, तो नौ प्रकारवाद समाज के विवरणात्मक मॉडल के साथ विकासशील रहता है कि जो कि समाज को उन घटनाओं जो एक पैटर्न बनाते हैं, तो बताइए संगठित रूप से देखा गया या और ये विचार किस विद्वान का आया, जरा बताइए ये विचार किस विद्वान के द्वारा लाया गया। जे अलेक्जेंडर, जे अलेक्जेंडर क्वेश्चन नंबर 7 का आपने जवाब दिया है जे अलेक्जेंडर का नाम, क्या यह ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा? ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा, जे अलेक्जेंडर ही करेक्ट जवाब होंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा, अलेक्जेंडर। और आपको बता दूं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमपीपीएससी के आधार पर, क्योंकि उनके सिलेबस में ये टॉपिक ही मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 8, समाजशास्त्र में एक थ्योरेटिकल लॉजिक एक किताब आई और वो किताब जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो जे सी अलेक्जेंडर अगेन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी करेक्ट जवाब हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं नेक्स्ट वाले सवाल पर, अगला सवाल हमारे सामने मेंशन हो रहा है, ठीक है, इसको भी ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग। क्या हो रहा है ये, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 20 आ गया, हम लोग तो 20 पे आ गए, पीडीएफ ज्यादा तेजी से स्क्रॉल हो रही है। नंबर 9, नौ प्रकारवाद को किन समस्याओं की जरूरत थी जिससे वो विजयी हो सके? क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब आप क्या देना उचित समझेंगे, तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि पहला पॉइंट है प्रतिवेष्टिवाद और आदर्शवाद, ये रख लीजिएगा, परिवर्तन विरोध और अनुभाविक विरोध का पूर्वाग्रह, यानी दोनों जो चीजें आती हैं समस्याओं की जरूरत थी जिससे कि वो विजयी हो सके, है ना। तो किन समस्याओं को, ये समस्याएं हैं जो आप ए बी में देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा। सिद्धांतवादियों और समीक्षात्मक संप्रदाय आर्थिक निश्चयवाद और सामाजिक जीवन अन्य पहलुओं का असंतुलित किस प्रकार ठीक करता है, ठीक है, ये ऑप्शन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 का। तो सही जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 10 का, तो ऑप्शन क्या सही होना चाहिए, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके, है ना। तो यहाँ पे जो आर्थिक और सांस्कृतिक था ये करेक्ट जवाब था, ऑप्शन नंबर आपका सी सही चला जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो सिद्धांतवादियों का समीक्षात्मक संप्रदाय जो है अधिक निश्चयवाद और सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं को असंतुलित जो है सामाजिक और सॉरी आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके ही करता है, ठीक है। तो यहाँ सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका जो जाएगा वो सी करेक्ट होगा। नौ मार्क्सवादियों के अनुसार कहा गया भाई कि किसी भी सामाजिक परिवर्तन के विरुद्ध तर्क वितर्क करने के लिए मानव स्वभाव के बारे में किन विचारों का बहुधा उपयोग किया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 यानी 11 नंबर का सवाल, और सही जवाब आप क्या बताएंगे, हमारा स्वाभाविक लोभ और हमारे प्राकृतिक लैंगिक अंतर, ये आपका करेक्ट होगा, हिंसा की हमारी प्रकृति जो है प्राकृतिक प्रवृत्ति भी, तो ऑप्शन जो जाएगा वो आपका सी चला जाएगा, क्योंकि नौ प्रकारवादियों के अकॉर्डिंग किसी भी सामाजिक परिवर्तन के विरुद्ध तर्क वितर्क करने के लिए मानव स्वभाव के बारे में हमारा स्वाभाविक लोभ और हमारे प्राकृतिक लैंगिक अंतर प्लस में हिंसा की हमारी प्राकृतिक प्रवृत्ति, ये चीजें बेसिकली क्या करते हैं विचारों को बहुधा रूप में उपयोग किया जाता है, और ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 12 कहता है निम्नलिखित में से किसने संरचना को सामाजिक दुनिया का मॉडल समझा और उसे संरचनात्मक या संरचनावादियों में वास्तविकता नहीं समझा जाता है, और ये विचार किस विद्वान का था, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 12 नंबर का सवाल, जवाब क्या होना चाहिए, निम्नलिखित में से किसने संरचना को सामाजिक दुनिया का मॉडल समझता है और उसे संरचनावादी में वास्तविकता नहीं समझता है, वह विद्वान है लेविस स्ट्रॉस।
लेविस स्ट्रॉस ने सामाजिक दुनिया का मॉडल समझा और उसे संरचनावादी में वास्तविकता को नहीं समझा। संरचना की जड़ें जो होता है मानव चिंतन की क्रियाओं और यानी मानसिक रचनाओं से गड़ी हुई है, लेकिन संरचनावाद की बात करते हैं तो उसका जो स्रोत है वो भाषा शास्त्र है, वो भाषा शास्त्र है। तो ये मानसिक रचनाएं जो है द्विभाजित विपरीतता के लिए होता है, विपरीतता के लिए होता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब जो जाता है वो लेविस स्ट्रॉस का जाता है, ये स्टेटमेंट लेविस स्ट्रॉस का ही है। ठीक है, 13 नंबर का सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी डिकॉन्स्ट्रक्शन की अवधारणा भाषा को अव्यवस्थित तथा अस्थिर समझता है, उस विद्वान का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 13 है, आपने डेरिडा एक विद्वान का नाम है, अगर ऑप्शन ए की बात करते हैं, डेरिडा एक विद्वान का नाम है। तो डेरिडा महोदय ने डिकॉन्स्ट्रक्शन की अवधारणा में भाषा को अवस्थित और अस्थिर के रूप में बताया, अव्यवस्थित और अस्थिर के रूप में बताया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था डेरिडा का। उनका मानना था कि भाषा का जो अर्थ होता है ना, किसी मूर्त वास्तविकता में खोज नहीं करना होता है, मतलब उसको हम किसी वास्तविकता में नहीं खोज सकते हैं, बल्कि भाषा के संदर्भ में ये चीजें हम कह सकते हैं कि उसकी रचना जो होती है वो सामाजिक रूप से होती है, उसकी रचना जो होती है सामाजिक रूप से होती है। ऐसी विचार डेरिडा विद्वान की थी और ऑप्शन आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता, उत्तर संरचनावाद के संदर्भ में किसने तर्क किया कि स्टेज या मंच पर जो कुछ होता है वह उसी की प्रतिरूपित करता है, जो कुछ होता है उसी का प्रतिरूपित करता है, यह वास्तविक जीवन में होता है। मिस माइकल फूको का नाम आप देख रहे हैं यहां पर, ठीक है, गिडिंस का नाम है, डेरिडा का नाम है और डिन का नाम है, ये चार विद्वान का नाम है। तो उत्तर संरचनावाद के संदर्भ में किसने यह तर्क दिया था, तो बेसिकली इसमें जो तर्क है वो भी डेरिडा ने क्या कहा कि स्टेज यानी अवस्था पर जो कुछ होता है उसी को प्रतिरूपित करता है और जो वास्तविक जीवन में वो चीजें दर्शाती है। तो रियल जीवन जो है जो अवस्थाओं पर बेस्ड है, इस तरीके का तर्क वितर्क की प्रक्रिया जो है आपका आता है पोस्ट स्ट्रक्चर में। पोस्ट स्ट्रक्चरल को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तर संरचनावाद। क्वेश्चन नंबर 15 है, कहता है स्ट्रक्चरेशन सिद्धांत में एजेंसी का और संरचना का एकीकरण किसने सुस्पष्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 15। सही जवाब आपका यहां पे क्या होना चाहिए, ऑप्शन बताइएगा, यह ऑप्शन जो जाएगा ऑप्शन आपका एथनी गेडेंस का नाम आता है और ऑप्शन सी आपका यहां पे करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चरेशन सिद्धांत में एजेंसी और संरचना को एकीकरण एथनी गेडेंस ने सुस्पष्ट किया है। ठीक है, सुस्पष्ट किया है, अभिकरण और संरचना एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, ऐसी बात एथनी गिडिंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किसने आधुनिकता के उन्नत अवस्था का वर्णन करने के लिए जगरनॉट का नाम लिया है, ठीक है, जगरनॉट का नाम लिया है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, एक एक ऐसे शब्द देखने को मिल रहा है, जगरनॉट। एथनी गिडेंस ने आधुनिकता की उन्नत अवस्था का वर्णन के लिए जगरनॉट का नाम लिया है। जगरनॉट अंग्रेजी भाषा का शब्द है बेसिकली, जिसका प्रयोग अजय के रूप में या किसी करिश्माई नेता द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो उभरते राजनीतिक आंदोलन के लिए ये प्रयुक्त किया जाता है शब्द, कौन सा, जगरनॉट। और ये जगरनॉट शब्द किसने दिया, तो आप याद रखिएगा एथनी गिडेंस ने दिया, ऑप्शन बी में है और ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब है। आप एक चीज यहां पर ध्यान से सुनिएगा कि अगर किसी एक विद्वान के बारे में अगर ऊपर पूछा गया है तो ज्यादातर जो क्वेश्चंस बन रहे हैं यहाँ पे नीचे वाले प्रश्न में भी कहीं ना कहीं उसी ऑप्शन को रिलेट भी कर रहा है अगला वाला जो है विद्वान। ठीक है, थोड़ा सा इस पर भी फोकस करिएगा, लेकिन ये ट्रिक फॉलो नहीं होती है, अब आजकल बदल गया पैटर्न है ना, ध्यान रखिएगा, ये पहले की बात मैं कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है, भारत में सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है, तो वो बेसिकली वर्ग नहीं है, बाकी प्रजाति हो गया, जाति हो गया, धर्म, ये सब आता है ना भारत में सांस्कृतिक विविधता को लेकर। आपको बता दूं भारत के दो समाजशास्त्री ऐसे हैं जो परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं, एक तो जीएस घुराई का नाम आता है बहुत ज्यादा, दूसरा आता है एम एन श्रीनिवासन का। ठीक है, ये दो ऐसे इंडियन एक सोशोलॉजिस्ट हैं जिनसे अपने पेपरों में, चाहे वो यूजीसी का ले लो, चाहे वो एमपीपीएससी या डी ट्रिपल एस बी ले लो, इनमें खूब पूछे जाते हैं इनका नाम।
क्वेश्चन नंबर बताया है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से भारतीय संस्कृति में विविधता अस्पष्ट की ओर जो है डाइवर्सिटी नामक पुस्तक किसने लिखा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाइवर्सिटी आप लोग जान रहे हो, जैव विविधता की बात करते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 18, सही जवाब क्या आप देना चाहेंगे? पी डी मुखर्जी का। देखिए ये मैं आपको बता दूं, अभी आपकी जो 8:30 बजे DSSB में क्लासेस चल रही है ना, मैं आप लोगों को जरूर उसका लिंक दूंगा MPPSC वाले बच्चों को। कारण ये है कि ये बेसिकली सोशियोलॉजी पर ही बेस्ड है, तो अभी मैं वहाँ पे ये नहीं बात कर रहा हूँ इंडियन को लेकर, बाकी जो मेन टॉपिक है जैसे दुर्खिम है, मर्टन है, पार्सन्स है, ठीक है, और भी अभी आप लोगों को देखेंगे 5-6 और विद्वानों के नाम मैंने मेंशन कर रखे हैं अलग अलग पीडीएफ में, तो उनके बता रहा हूँ। फिर उसके बाद आप लोगों को जो भारत के हैं उनके बारे में बताऊंगा, है ना, क्रम से जो जो इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये चारों भारत के ही हैं, आर के मुखर्जी भी हैं, पी डी मुखर्जी भी हैं, GS घुरई का नाम भी आए, और CSC दुबे का नाम है, MN श्रीनिवासन का नाम आए, ठीक है, और भी कई विद्वान हैं ऐसे। पीपल ऑफ इंडिया नामक एक किताब रही, कृत रही, ये बताइए किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन में आपका अगर आप देखेंगे तो फोर ऑप्शन क्या है, KS सिंह ऑप्शन फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 19 वाले का जवाब जो है ऑप्शन पीपल ऑफ इंडिया नामक कृति जो है KS सिंह के द्वारा लिखी गई। इस किताब में जानते हैं क्या था, इसमें था कि भारत के लोगों के रहन सहन, विचार, संस्कृति आदि का बारे में पूरा व्यापक रूप से वर्णन किया गया है भारत के बारे में, है ना। फिर लोगों के सामाजिक व्यवहार और आपसी ताने बाने तो समझ ही रहे होंगे आप, नेटवर्क होता वो, उसको वितरण के रूप में किसी मतलब पार्टिसिपेशन के रूप में, लोगों की हम की भावना के रूप में, उत्तर के दायित्व के रूप में, ठीक है, उसकी भूमिका में ये किताब बेसिकली मेंशन की गई थी, पीपल ऑफ इंडिया वाले, तो KS सिंह का नाम आता है वहां पे, ठीक है। अगला सवाल की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 20, GS घुरई की एक किताब, देखिए यहाँ पे GS घुरई का एक किताब नहीं है, कई किताबें हैं, और उस किताबों के अकॉर्डिंग आप लोगों से पूछा गया है कि वो किताब कौन कौन सी है GS घुरई की, प्लीज एक बार स्पष्ट कहिएगा आप सभी लोग, GS घुरई की किताब। सर दो तीन चार। ओके, 2-3-4 की तरफ आपने कल्चर एंड सोसाइटी और इंडियन साधु। ओके, 2-3-4 2-3-4। चलिए मैं बात करता हूँ आप लोगों से, पहली एक चीज करेंगे हम लोग। अच्छा, यहाँ बेसिकली क्या है, आप लोगों को किस रूप में वर्णित करना है ये भी हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। देखिए एक यहाँ पर अगर मैं बात करूं, एक किताब यहाँ पे देखिए कास्ट, अच्छा कास्ट तो नहीं है, ट्राइब जो है, ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया का नाम आप देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, इस क्वेश्चन में शायद यहीं से हम लोगों को करना है, यहीं से शायद हम लोगों को करना है ना, बोलिए। जी सर। तो अगर मैं बात करूं कि ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया की किताब की बात करता हूं मैं, तो आपका ये करेक्ट जवाब हो जाते हैं, GS घुरई की किताब है, यस आप यहां पे आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं सिटीज एंड सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो सिटीज एंड सिविलाइजेशन भी इन्हीं की किताब मानी जाती है और इन्हीं की किताब है, ठीक है, सिटी एंड सिविलाइजेशन सन 1962 की किताब थी, 1962 की किताब थी, 1962 की किताब थी ये वाली। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कल्चर एंड सोसाइटी करके, ये बड़ी फेमस किताब रही है, ये तो सभी लोगों को पता होगा कल्चर एंड सोसाइटी करके, और ये कल्चर एंड सोसाइटी की जो पुस्तक है ये भी किताब बेसिकली मेंशन की गई है किसके द्वारा, यहां देखिए ये तो बेसिकली अगर मैं बात करूं ये है, और इंडियन साधुज भारतीय साधुओं के बारे में चर्चा की गई है इस किताब में, है ना, इंडियन साधुज किताब में भारतीय साधुओं की बात की गई है। तो देखो मैं आपसे कहूंगा कि यहां ना आप जो ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया है इसको हटा दीजिए, इस किताब को हटाइए, इनको हटाइए, ये GS घुरई की किताब नहीं है हेरिटेज, ठीक है, ये किताब नहीं है। बाकी सिटीज एंड जो सिटीज एंड सिविलाइजेशन की बात करें ये भी इनकी किताब है, इनकी किताब शेड्यूल पर है, है ना, इनकी किताब अगर है तो द शेड्यूल ट्रबीज है अनुसूचित जनजाति पर है इनकी किताब, है ना, इनकी किताब इस पे आधारित है। तो मैं आप लोगों से कहूंगा इसको हटा दो, पहले ऑप्शन को, पहले पॉइंट को,
तो थर्ड को रखिए, सेकंड रखिए और थर्ड को रखिए, फोर्थ को रखिए। तो ऑप्शन देखिए आप सी वाला, ये जो ऑप्शन थर्ड आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट जाएगा। हम लोगों को यहीं से करना है क्वेश्चन पेपर सॉल्व, है ना, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 21, एक तरफ लेखक है दूसरी तरफ पुस्तक है, ये हमें सुमलित करना है। सुमलित वाले में बात करें एससी दुबे के बारे में, एससी दुबे बड़े फेमस पर्सन है। मैं आप लोगों से कहूंगा कि इंडियन विलेज में इनका नाम देखने को मिलता है, भारतीय गांव में, ये आप करेक्ट कर लीजिए। एम एन श्रीनिवासन की बात करें, ये भी एक इंडियन जो है सोशोलॉजिस्ट हैं, बहुत ही फेमस पर्सन। तो इंडियाज विलेज का नाम आ जाता है, इंडियाज विलेज के बारे में। अच्छा, जब इंडियाज विलेज इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था ना, तो इन्हीं में एस सी दुबे का भी नाम आता है इन्हीं में, ठीक है, इन्हीं की किताबों में, ठीक है, इनके ही किताबों में इनका नाम जो है देखने को मिला है, ठीक है। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि यहाँ पर ये इंडियाज विलेज की बात करेक्ट रहेगी, एन एन श्रीनिवासन के बारे में। जी एस गुरई जो है कास्ट एंड इंडिया देयर, देखिए ये किताब बहुत ही फेमस रही है, कास्ट एंड रेस इन इंडिया करके आती है, और ये किताब सन 1932 में लिखी गई थी जी एस घुरई के द्वारा, ठीक है, जी एस घुरई के द्वारा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी नाम परीक्षाओं में पूछा जाता है, सोशियोलॉजी में भी, सोशल वर्क में भी, ठीक है। तो यहां अगर मैं आप लोगों से जिक्र करूंगा तो किसका नाम आप लगाना उचित समझेंगे, किताब का नाम आपको क्या होगा कि आपका कास्ट इन इंडिया है ना, कास्ट इन इंडिया, कास्ट इन इंडिया आपको याद रखना, फेयर मैकेनिज्म, मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ये किताब आई थी 9 मई 1916 में, 9 मई 1916 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जैसे कई कॉन्सेप्ट, एक तो ये रहा आपको याद रखना है, दूसरा आपको याद रखना है इनहिलेशन ऑफ कास्ट, ऑफ कास्ट, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक आता है हु वर दी दी सुद्राज, सुद्राज करके किताब आती है, सुद्राज, तो सुद्राज वाली भी पुस्तक जो रही है वो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही रही है, 1946 में आई थी। और द अनटचेबिलिटी करके किताब लिखा था इन्होंने, और बताया था कि हु वर द एंड वाई दे बिकम अनटचेबिलिटी को लेकर, है ना, तो वो किताब भी 1948 में आई थी और वो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही थी, ठीक है। तो इतनी किताबें हैं, इनको भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, ठीक है ना। और जो इन्हीं लेंस ऑफ कास्ट की किताब थी वो बेसिकली 1936 में आई थी, 1936 में आई थी, ठीक है। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ रचनाएं हैं जो सोशोलॉजी में पूछे जाते हैं, बाकी बेसिक चीजें नहीं, ये देखो ध्यान रखने वाली बातें हैं, ये इन सारी चीजों को अगर हम बात करें तो डॉक्टर अंबेडकर से ये सारे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो जाएगा वो पहले का 4 है और दूसरे का 1 है और तीसरे का 2 है, आप यहाँ पे रिलेट करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, यानी सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए, या किसका मत है कि डैश भारतीय सभ्यता की एक विशिष्ट विचारधारा है जिसके घटक पश्चिमी की तुलना में द्वि आधारी विरोध में होता है और पारस्परिक के विरोध, आधुनिक व्यक्तिवाद के विरुद्ध, पूर्णतावाद समानता के विरुद्ध, अधिक्रमिकता प्रदूषण के विरुद्ध, शूद्रता सत्ता के विरुद्ध, परिस्थिति इत्यादि, इस तरीके के शब्द आप देख रहे हैं, जो है पारंपरिक के विरुद्ध आधुनिक, है ना, व्यक्तिवाद के विरुद्ध पूर्णतावाद, समानता के विरुद्ध अधिक्रमकता, प्रदूषण के विरुद्ध शुद्धता, सत्ता के विरुद्ध परिस्थिति, ये शब्द जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि पारंपरिकता के विरुद्ध, ट्रेडिशनल के विरुद्ध आधुनिकता, आज वाला व्यक्ति के विरुद्ध पूर्णतावाद, है ना। तो जहां मतलब एक अपोजिट शब्द आ रहा है ना, होल की बात करेंगे तो पार्ट होगा, है ना, टोटल तो एक, तो इस तरीके से मतलब अपोजिट की बात हो रही है, इस तरीके की कॉन्सेप्ट किस विद्वानों के द्वारा या किस विद्वान के द्वारा इसमें मेंशन किया गया है, तो सही जवाब होगा लुईस ड्यूमा का नाम। और लुईस ड्यूमा ने ये बात बताया है, एमपीपीएससी के आप देखेंगे सिलेबस में ना, तो आपको ये लुईस ड्यूमा भी मिलेगा और यहाँ सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ड्यूमा ने यूरोप को भारत की सांस्कृतिक और वैचारिक दृष्टि से भिन्न माना है, तो यूरोप से वैचारिक दृष्टि में किसको माना है, संस्कृति पॉइंट ऑफ व्यू में, संस्कृति को भी और वैचारिक दृष्टि से भिन्न माना, किस कहां से,
तो यूरोप को भारत की संस्कृति अलग है, यूरोप को अलग है, इस तरीके से उन्होंने भिन्न बताया, अलग बताया। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहेगा हमारे सामने 23 नंबर का सवाल कि या किसका विचार है कि जाति और अस्पृश्यता हिंदुओं को समुदाय के रूप में क्रिया नहीं करता या नहीं देते हैं। तो बेसिकली जब भी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को लेकर, तो इस सवाल का जवाब बेसिकली ऑप्शन नंबर आपका थर्ड ही करेक्ट होगा। मैंने आप लोगों को सभी बताया था अनटचेबिलिटी को लेकर, तो इन्होंने कहा है जाति और अस्पृश्यता हिंदुओं को समुदाय के रूप में क्रिया नहीं करने देते देने के रूप में, तो ये विचार जो डिनोट किया गया है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, जाति और अस्पृश्यता हिंदुओं को समुदाय के रूप में क्रिया नहीं करने देते हैं। इन्होंने कहा है कि सामाजिक असमानता, जाति के आधार पर भेदभाव, अमानवीय व्यवहार या छुआछूत की भावना हिंदुओं को समुदाय के रूप में कार्य करने नहीं देती है, और यह करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर आपका सी वाला, यानी थर्ड। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा सैद्धांतिक परिपेक्ष इस विचार पर आधारित है कि उत्तरदाता ना तो उपहार के रूप में मिलती है और इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, आत्म उन्नति दूसरे के आदर्शवादी या आशीर्वाद द्वारा नहीं बल्कि आत्म संघर्ष द्वारा प्राप्त की जाती है। ये स्टेटमेंट किस विद्वान का है? देखिए इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चनों को आपको जब तथ्य आपको पता होगा तभी इन चीजों को कीवर्ड के माध्यम, देखिए ये कीवर्ड्स के माध्यम से ही लगाए जाते हैं सवाल। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, 24 क्या कहता है, सिंपल सा सवाल है। यहां मैं अगर आपसे बात करूं, सैद्धांतिक परिपेक्ष इस विचार पर आधारित है कि उदारता उपहार के रूप में नहीं मिलती है। कहने का भाव, उपाश्रय इस विचार पर आधारित है कि उदारता उपहार के लिए काम नहीं करती या उपहार के रूप में नहीं मिलती है, इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है। आत्म उन्नति दूसरों को आशीर्वाद द्वारा नहीं बल्कि आत्म संघर्ष द्वारा प्राप्त होती है। आशीर्वाद से कोई चीज नहीं प्राप्त होती है, संघर्ष से प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन नंबर उपाश्रय इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड इज द राइट आंसर। 25, किस वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए? किस वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम है और वह बताना है आपको कि जहां पे हिंदुओं के तलाक के लिए प्रावधान किया गया वह वर्ष कौन सा होना चाहिए? करेक्ट जवाब आप बताएंगे 1955। मेरी आवाज स्पष्ट है, एक बार स्पष्ट करिएगा। जी सर। ओके, तो 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए थे। हिंदू विवाह विच्छेद अधिनियम 1955 है, उसके द्वारा कोई भी पुरुष व महिला एक दूसरे से तलाक ले सकती है। तो ये बेसिकली 1955 का अधिनियम है, ये आप ध्यान रखिएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट है। सभी लोगों को पता होना चाहिए ये एक्ट है ना। क्वेश्चन नंबर 26, सम्मित परिवार की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया है? क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 26 नंबर का सवाल, ठीक है। सम्मित परिवार की अवधारणा किस विद्वान ने प्रतिपादित किया? तो यंग तथा बिलमार्ट, ऑप्शन नंबर आपका जो जाएगा वो ए इज द राइट आंसर होगा। सम्मित परिवार का अवधारणा यंग और बिलमार्ट के प्रतिपादित किया, इन्होंने एक किताब लिखा था, उस किताब का नाम था दी सेमिटिकल फैमिली। क्या नाम था किताब का? दी सेमिटिकल फैमिली। किताब का क्या नाम था? दी सेमिटिकल फैमिली में लंदन के परिवार का अध्ययन किया था इन्होंने। कहां के परिवार का अध्ययन किया था इन्होंने? तो लंदन के परिवार का अध्ययन किया था। नाभिकीय परिवार का मतलब होता है एकाकी परिवार। एकाकी परिवार को यंग एंड बिलमर्ट ने सम्मित परिवार कहा था। तो एकल परिवार को क्या बोला था इसने? सम्मित परिवार बोला था एकल परिवार को, यानी नाभिकीय परिवार को, ठीक है। तो बेसिकली इसमें दंपत्य संबंध मजबूत होते हैं, इस परिवार के रूप में निजी परिवार का जो है समान होता है। इस परिपेक्ष में अगर बात हुआ तो यंग एंड बिलमार्ट का नाम आया और ऑप्शन पहला करेक्ट हो गया। एकल परिवार की अवधारणा भी आप लोग ध्यान से सुनते चलिएगा सभी लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 बताइए, इजी सवाल है, आप जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 27, दहेज निषेध संशोधन अधिनियम निम्न में से कौन से वर्ष में पारित हुआ था? क्वेश्चन नंबर 27, सही जवाब आपको बताना है 1961 सर। 84 संशोधन है ना ये, 61 में तो आया था वो, 61 में तो आया था ना। हाँ,
संशोधन है सर राइट। हाँ, तो दहेज निषेध अधिनियम जो है निम्न में कब संशोधन किया गया, तो ये 1984 है। देखिए सवाल तो बड़े इजी हैं, लेकिन आप लोग उसके अंदर नहीं पढ़े हैं, इस वजह से उसके अंदर में आपसे पूछ ले रहा है। ठीक है, तो यही जब नहीं आता है तो पेपर क्या बन जाता है, टफ हो जाता है, जब आता है तो पेपर इजी लगता है। ठीक है, तो दहेज निषेध संशोधन अधिनियम बेसिकली 1984 में जब इसकी जिक्र हुआ तो वो एक प्रकार से संशोधन का रूप माना गया और उस वर्ष संशोधन के रूप में उसे पारित किया गया। इंदिरा गांधी के शासनकाल में इस संशोधन के अंतर्गत दहेज अधिनियम को अधिक प्रभावी बनाया भी गया था। आईपीसी की धारा आपने सुना होगा 498A, जानते हैं क्या है ये 498A? इसका सृजन किया गया, इसमें बताओ आप लोग, इसमें क्या कहा गया, दहेज इसके अंतर्गत क्या बोला गया कि दहेज हत्या को जघन्य अपराध मानता है। दहेज वाली प्रक्रिया क्या मानी जाती है, जघन्य अपराध मानी जाती है, इस एक्ट के अंतर्गत बताया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 28। किस प्रकार की निर्धनता से कुछ समूहों की जीवन यापन की स्थितियों तथा जीवन यापन की उन स्थितियों जो अधिकांश जनसंख्या को प्राप्त है के अंतर यानी के बीच का अंतर मापन जुड़ा हुआ है। देखिए आपको पता होगा मैंने निर्धनता के बारे में पढ़ाया है, सापेक्ष निर्धनता से उच्च समूहों के जीवन यापन की जो स्थितियां और जीवन यापन की उन स्थितियों जो अधिकांश जनसंख्या को प्राप्त है के बीच का अंतर का माप जुड़ा हुआ है, तो ये बेसिकली सापेक्ष निर्धनता से प्रक्रिया जुड़ी हुई है। तो इसके अंतर्गत क्या है, समाज में कुछ व्यक्तियों के समृद्ध होना और अधिकतर जो है अधिकतर के निर्धन होने की दशा में उसकी तुलना करना, और इसी के अकॉर्डिंग कहा गया कि निर्धनता प्रत्येक समाज के अनुरूप न्यूनतम जीवन स्तर के भी नीचे की स्थिति दर्शाती है। तो इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट जवाब होगा कि किस प्रकार के निर्धनता से कुछ समूहों की जीवन यापन की स्थितियों और जीवन यापन की उन स्थितियों के अधिकांश जनसंख्या प्राप्त है जो बीच के अंतर का मापन कर रही होती है, तो वो बेसिकली सापेक्ष निर्धनता और ऑप्शन नंबर सी यानी थर्ड करेक्ट जवाब होगा। किसके तर्क के अनुसार कहा गया कि कुछ वर्ष कार्यात्मक होता है, कुछ संघर्ष जो है कार्यात्मक होता है क्योंकि यह सुरक्षा कपाट का काम करता है और जिसके बिना सामाजिक शत्रुता अंततः हिंसात्मक या उग्र रूप से फूट सकती है। ये विचार है, संघर्ष का पॉइंट है। नाम आप सभी विद्वानों के नाम सुने हैं, लकमैन का नाम मैं सुने होंगे केवल, ठीक है, ग्लकमैन। बेसिकली यहां सही जवाब क्या होना चाहिए ऑप्शन में, कुछ संघर्ष सुनिए, कुछ संघर्ष कार्यात्मक होते हैं क्योंकि यह सुरक्षा कपाट का काम करता है जिसके बिना सामाजिक शत्रुता अंततः हिंसात्मक या उग्र रूप से है, तो वह प्रक्रिया कोजर की है। कोजर की परिभाषा है, कोजर ने बताया है कि सामाजिक संघर्ष एक सकारात्मक पहलू है। सामाजिक संघर्ष क्या है, एक सकारात्मक पहलू है। लुईस कोजर यहां पे करेक्ट जवाब होंगे ऑप्शन में, और साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि संघर्ष एक सेफ्टी वाल्व का काम करता है। तो सेफ्टी वाल्व का काम कौन करता है, तो कोजर, संघर्ष के अकॉर्डिंग संघर्ष का काम करता है संघर्ष, लेकिन ये बताया किसने, तो कोजर, जो सामाजिक शत्रुता को हिंसात्मक होने से पहले ही प्रस्फुटि कर उस हिंसा को कमजोर कर देता है। और यहां सही जवाब ऑप्शन पहला है। नीचे दिए गए दो कथन है और इन कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है और सही जवाब बताइएगा। अभी कथन कहता है, महानगरीय शहरों में मलिन बस्तियों के बड़े आकार का प्रभुत्व रहता है। बात तो करेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर कह रहा है कि उद्योगों तथा नौकरियों के अवसरों के समृद्ध के साथ ग्रामीण जनसंख्या की शहरी क्षेत्रों से बड़े पैमाने पर प्रवशन हुआ है। ये भी सही है, देखो दोनों बात करेक्ट है, लेकिन अब बात है कि उद्योग और नौकरी के अवसर को लेकर कारण में,
और जिक्र हो रहा है महानगरी शहरों और मलिन बस्तियों से बड़े आकार के प्रभुत्व के रूप में, ऑप्शन ए में। तो क्या ये व्याख्या है? नहीं सर, नहीं, नहीं। बिल्कुल, भारत में देखो बड़े शहरों में पूरी जनसंख्या का 1/4 भाग काम जो है कामचलाऊ आश्रय एवं गंदी बस्तियों में रहता है। तो लोग काम की तलाश में बड़े शहरों में आते हैं ना कि चलाते हैं, गंदी और मलिन बस्तियों में रहने पर मजबूर हो जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ जो जवाब होगा वो ऑप्शन जो जाएगा वो सेकंड वाला करेक्ट जाएगा। बात एक और भी है महानगरी शहरों में, तो महानगरी शहरों में मलिन बस्तियों के बड़े आकार का प्रभुत्व रहता है क्योंकि जनसंख्या की अधिकता और लगातार संसाधनों की कमी होने की वजह से महानगरों में मलिन बस्तियों का आकार बढ़ता जा रहा है। इसलिए आप कहोगे कि ए आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, है ना। अतः ऑप्शन नंबर आपका जो जाएगा वह डी ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेंगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 31, अगेन आपको अभिकथन और कारण दिए गए हैं, यहां पर ध्यान से सीखिएगा। कहता है जनसंख्या को अत्यधिक वृद्ध समाज में निम्न स्तर के विकास का सूचक है। कारण कह रहा है कि उच्च जन्म दर समाज में निरक्षरता और निर्धनता से संबंधित है। सवाल बहुत ही आसान सा है, आप इसका जवाब भी बता सकते हैं, दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। देखिए जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि समाज में निम्न स्तर के विकास का सूचक माना जाता है। अच्छा, आपने पूछा क्यों? क्योंकि उच्च जन्म दर समाज में निरक्षरता और निर्धनता को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो इसकी व्याख्या भी हो रही है, यहाँ पर तो इसकी व्याख्या भी हो रहा है। मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है कि जब भी कोई आपको क्वेश्चन करना तो पहला पॉइंट को आप पढ़ें और लास्ट में क्योंकि जोड़ें, अगर रिलेट हुआ तो आप इजीली कर सकते हो इसकी व्याख्या और सही तरीके से आप ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड में दर्शा सकते हो, जो सेकंड कह रहा है व्याख्या है, है ना। ठीक है, अगेन 32 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है भारत में आर्थिक क्षेत्रीय असमानताएं विद्यमान है, क्या इस बात से सहमत हैं आप? बिल्कुल होना चाहिए सहमत, कि भारत में आर्थिक क्षेत्रीय असमानताएं विद्यमान है आर्थिक क्षेत्र में, तभी तो भाई महिलाओं को कहीं कम वेतन मिलता है, पुरुषों को ज्यादा वेतन मिलता है, तो इसको कह सकते हो बहुत बहुत रीजन है, केवल यही नहीं है। दूसरा कारण कहता है कि आर्थिक क्षेत्रीय असमानताएं सरकार द्वारा बजट के आवंटन का परिणाम है। ओके, आवंटन का परिणाम है। तो अगर मैं आप लोगों से यहां जिक्र करूं भारत में आर्थिक क्षेत्रीय असमानता विद्यमान है, करेक्ट है, आर्थिक क्षेत्रीय असमानता सरकार द्वारा बजट के आवंटन का परिणाम है, ठीक है, तो मैं क्योंकि लगाता हूं, क्योंकि कई सरकारें अपनी पार्टी की सरकारों को ज्यादा बजट देती है, कारण ये है, जिसकी वजह से क्षेत्रीय असमानता विद्यमान रहती है, क्योंकि कई सरकारें अपनी पार्टीज को क्या करती हैं, सरकारों को ज्यादा बजट दे देती हैं, और इससे अन्य पार्टी वाली जो सरकार होते हैं उनके साथ क्या होता है, भेदभाव हो जाता है, तो जिसकी वजह से क्षेत्रीय असमानताएं क्या हो जाती हैं, विद्यमान हो जाती हैं। ठीक है, तो यहां करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट मान लिया जाएगा, नहीं बी तो नहीं, इसकी व्याख्या हो रही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट मान लिया जाएगा, है कि नहीं, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, बता दीजिए एक बार, करेक्ट है? बिल्कुल सर। हाँ, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे आप। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमारे सामने आ गया और यह है सुमलित वाला क्वेश्चंस, आपको सुमलित करना है। नाम आप भलीभांति तरीके से जानते होंगे, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, आप बता सकते हो? चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है, इन्होंने गढ़वाल यानी उत्तराखंड, है ना, उत्तराखंड के क्षेत्र के पेड़ों को बचाने के लिए इस आंदोलन की शुरुआत और पेड़ों से चिपक कर उनको कटने से बचाने का प्रयास सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। नक्सलवादी आंदोलन, देखिए बेसिकली इसकी शुरुआत तो 1967 में हुआ था, है ना, नक्सलवादी आंदोलन का, तो ये चारू मजुमदार, इसकी शुरुआत किसने किया था, चारू मजुमदार ने, है ना, किसने किया था, तो चारू मजुमदार ने किया था। आपको बता दूं कि यह आंदोलन उत्तरी बंगाल बिहार आंध्र प्रदेश में फैल गया था। नक्सलवादी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही था कि जमींदारी जो प्रथा है ना उसको समाप्त कर दिया जाए। किसको समाप्त किया जाए? जमींदारी
प्रथा को। तो ये बेसिकली इसका खासकर मोटो रहा है चारू मजुमदार के बारे में। नर्मदा बचाओ आंदोलन आप जानते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटेकर उन्होंने नर्मदा नदी पर जो है बनने वाले जो बाध थे उसी के विरोध में उन्होंने किया था। उन्होंने इस बाध के कारण जो लोगों का बुरा प्रभाव पड़ा उसके लिए सरकार से लड़ाई लड़ी और लोगों के पुनर्वास के लिए एक रूपरेखा तथा उसको व्यवस्थित विकास की भी बात की थी। तो नाम क्या बन जाता है यहाँ पे करेक्ट जवाब, मेघा पाटेकर का नाम। और गंगा बचाओ आंदोलन, गंगा बचाओ आंदोलन देखिए इसके प्रेरणा की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके प्रेरणा कौन थे आप इजीली बता सकते हो आप? अग्रवाल। अग्रवाल जी ठीक है। गंगा बचाओ आंदोलन अग्रवाल के द्वारा दिया गया और याद रखिएगा आप सभी लोग यह आंदोलन अप्रैल 1986 में चलाया गया। कब चलाया गया? 1986 में चलाया गया था। बेसिकली इन्होंने गंगा नदी को फेंके जाने वाले जो अपशिष्ट और इससे होने वाले प्रदूषण को समाप्त करने का प्रयास जो किया था ये इसी आंदोलन से किया था, गंगा बचाओ आंदोलन से ही। किसने किया था ये आंदोलन तो भी आप लोगों को ये बात भी ध्यान में रखना होगा, उस आंदोलन को शुरुआत करने वाले कौन थे? जी डी अग्रवाल। अग्रवाल ओके। देखिए गंगा बचाओ आंदोलन के संबंध में कानपुर में गंगा और हमारा दायित्व विषय पर लेकर एक सेमिनार हुआ था गंगा बचाओ आंदोलन को लेकर, तो वहां पर स्थापना में रामा रावता का नाम आता है सन 1998 में। ठीक है। फिर भारत सरकार ने एक अभियान चलाया गंगा नदी पर, उन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र की सफाई और बहाली के लेकर उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल की, नमामि गंगे मिशन आपने नाम सुना होगा, जो भारत सरकार ने 2014 में चलाया। तो तीन बातें, तीनों के तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा गंगा बचाओ आंदोलन से। ठीक है, ऑप्शन कौन सा करेक्ट गया है वो करेक्ट करिएगा प्लीज, ऑप्शन देख के बताइए, ऑप्शन देख के बताइए। बी बी ओके। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने है, कारावास बंदीकरण। कारावास या बंदीकरण, बंदीग्रह जो है अभ्यसन की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। निम्नलिखित में से बताइए कौन सा सिद्धांत है जिसके विरुद्ध है, वह सिद्धांत कौन सा है जिसके ये विरुद्ध है? कारावास बंदीग्रह है ना, बंदीग्रह अभ्यसन की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है, और ये बात अगर मैं करूं तो दंड का सुधारात्मक सिद्धांत जिसके विरुद्ध, यानी इसके अनुसार कहा गया कि दंड द्वारा बंदी तथा कैदी को सुधरने का प्रयास किया जाएगा भाई, है ना, उन पे सुधारा जाएगा, ये बात थी इसमें। ठीक है, लेकिन ज्यादातर मामलों में बंदी सुधरने के बजाय अपराध करने का आदि हो जाता है, इसलिए दंड का सुधारात्मक सिद्धांत कारावास का विरोध करता है। इसलिए ऑप्शन जो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर होगा, तीसरा वाला। सफेदपोश अपराध पद सर्वप्रथम किसके ने प्रतिपादित किया था, प्रवर्तित किया था सफेदपोश अपराध के बारे में बात हुआ, और आप जानते हैं इसके बारे में सन 1939 का कॉन्सेप्ट है ये व्हाइट कॉलर क्राइम वाला, किसका है ये? सदरलैंड का। हाँ, सदरलैंड, ई सदरलैंड आपने यहाँ पे करेक्ट जवाब बताया। व्हाइट कॉलर जो है क्रिमिनोलॉजी की बात करें या क्राइम की बात करें या क्राइम जो है एक नाम और इसको बोला जाता है क्रिमिलिटरी, व्हाइट कॉलर क्रिमिलिटरी नामक शोध ग्रंथ को लिखा और उच्च सामाजिक और आर्थिक वर्ग के व्यक्तियों और व्यवसायिक कार्य के दौरान किए जाने वाले कानूनी उल्लंघन को सफेदपोश अपराध इनका इन्होंने बोला। ठीक है, तो ऑप्शन सही जाएगा ऑप्शन यहां पर बी। 36 भाई भतीजावाद, भाई भतीजावाद पक्षपात और सत्ता शक्ति का दुरुपयोग सभी किसका उदाहरण माना जाता है? भ्रष्टाचार, अज्ञानता, संघर्ष, सामाजिक पूर्ण एकता। सही जवाब क्या होगा? भाई भतीजावाद पक्षपात सत्ता शक्ति का दुरुपयोग बेसिकली किसका उदाहरण है? तो ये भ्रष्टाचार का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? भ्रष्टाचार का। भाई भतीजा पक्षपात सत्ता शक्ति का दुरुपयोग सभी भ्रष्टाचार के उदाहरण है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्ति हेतु जानबूझकर निश्चित कर्तव्य का पालन ना करना ही क्या कहलाता है? भ्रष्टाचार कहलाता है। ऑप्शन आपका सही यहां पर होगा पहला वाला, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। संपूर्णानंद आश्रम प्रथम खुला कारागार है, ये बात आप जानते भी होंगे। संपूर्णानंद आश्रम प्रथम खुला कारागार है, यह किस राज्य से स्थापित है भाई? तो आप बताएंगे यहाँ पर उत्तर, मध्य प्रदेश। संपूर्णानंद आश्रम प्रथम खुला कारागार है भाई ये,
संपूर्णानंद आश्रम प्रथम खुला कारागार है। और इससे संबंध में मैंने एक और पीछे सवाल आया था, मैंने आप लोगों से जिक्र भी किया था, ठीक है, कि कितने कुल टोटल जेल वगैरह थे उसमें। तो इस प्रश्न का बेसिकली उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित है खुला कारागार, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में भी है, जहां कैदी अपनी आम जिंदगी भी जीते हैं और सजा की अवधि भी काटते हैं। तो मध्य प्रदेश होशंगाबाद उत्तर प्रदेश में भी है, उत्तर प्रदेश राज्य में भी स्थापित है, तो इस प्रश्न का जवाब क्या देना चाहिए, उत्तर प्रदेश होना चाहिए या मध्य प्रदेश होना चाहिए, बताइए। संपूर्णानंद के ओपन जेल कैंपस का आयोजन किया गया जो चंदौली के चकिया, चंदौली के चकिया में सबसे पहले इस ओपन जेल को कैंप किया गया था, सबसे पहले 1953 में। सही जवाब पहला यहां पे जाएगा तो वो जाएगा उत्तर प्रदेश। कौन सा जाएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जाएगा, है ना, यहाँ पे 1953 वाली प्रक्रिया में। भारत में लगभग 60 से अधिक जो है क्या है, खुला जेल है। कितने हैं? 60 से अधिक जो है वो खुला जेल है, 60 से प्लस खुला जेल है। आगे आप लोग पढ़ेंगे जेल वगैरह के बारे में, मैं आप लोगों से बात करूंगा, ठीक है, इसके बारे में आगे बात करते हैं। और अगला सवाल, बंदी गृह व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम बंदियों के किस कार्य के लिए प्रारंभ किए गए थे? बंदियों का सी कह रहे हैं, 38 का सी बता रहे हैं आप, सुधार एवं पुनर्वास, क्या बात है। बंदी गृह व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम बंदियों के किस कार्य के लिए प्रारंभ होगा? सही जवाब सुधार और पुनर्वास होगा और ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39, किसका कथन है कि जिन समाजों में अत्यधिक और अत्यधिक या अत्यंत कम विनिमय या एकीकरण होता है और उनमें आत्महत्या की दरें जो है अधिक होती है? अच्छा जी, बड़ा अच्छा सवाल है, आत्महत्या शब्द आया है तो शायद उम्मीद करता हूं आप सही जवाब देंगे। क्या है बताओ तो सही। दुर्खिम सर। दुर्खिम है सर। अच्छा, मतलब आते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग को आते हैं, आप लोग बताते नहीं हो, है ना। चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 40, बताइए किसने तर्क प्रस्तुत किया है कि दंड अपराध को सामाजिक प्रतिक्रिया या न केवल अपराध की आपराधिक एवं सामान्य भयोपरांत के लिए प्रतिशोध का कार्य करती है, परंतु आपराधिक गतिविधियों पर आपत्ति भी बनाए रखती है। देखिए, अपराध में, सोशियोलॉजी में भी अपराध है, समाज कार्य में भी अपराध है, देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि आपको अपराध पढ़ना है DSSB में है तो आप इजीली आप बता भी सकते हो इस प्रश्न का जवाब भी। तो जरा मुझे बताइए एक बार, दुर्खिम, अरे भाई, दंड अपराध की सामाजिक प्रतिक्रिया है या न केवल अपराध की आपराधिक और सामान्य भयोपरति के लिए प्रतिशोध का कार्य कर रही है, परंतु आपराधिक गतिविधियों की आपत्ति को बनाए रखने के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो वह दुर्खिम ने एक तर्क प्रस्तुत किया है। ये तर्क इस्माइल दुर्खिम का, ये क्या है, ये तर्क है, ये क्या है, ये तर्क है, ठीक है, दुर्खिम। क्वेश्चन नंबर लिखिए 41 में आप, लेबलिंग का थ्योरी, लेबलिंग थ्योरी मैं उम्मीद करता हूँ शायद मैंने बताया है, लेबलिंग थ्योरी मैंने बताया है, लेबलिंग थ्योरी बेकर ने कहा, क्या बेकर कहीं है? बेकर ने कहा है कि व्यक्ति प्रवृत्ति से अपराधी नहीं होता है, व्यक्ति जो है प्रवृत्ति से अपराधी नहीं। देखो, एक एक लाइन में इन थ्योरी का मतलब समझ लो एक बार आप लोग थोड़ा सा, क्या कहा है लेबलिंग थ्योरी में बेकर ने, कि जो व्यक्ति है ना प्रवृत्ति से अपराधी नहीं होता है, बल्कि उसे क्या करता है, समाज या तो समूह बना देता है, तो उसमें लोग ना उस पर एक लेबल लगा देता है, उस पर एक लेबल लगा देता है, इसलिए उसको लेबलिंग थ्योरी कहा इसने, बेकर ने, हवार्ड बेकर। अनुकरण का सिद्धांत टार्ड का है, टार्ड, देखो अनुकरण का सिद्धांत में अगर हम बात करें ना तो आपने एक नाम सुना होगा, उसका क्या नाम था भाई, भाषा में क्या नाम था उसका, नाम चमस्की, क्या नाम है उसका, नाम चमस्की। तो भाषा का अनुकरण की बात अगर हम लोग करते हैं तो वहां पे एक नाम मिलता है नॉन चमस्की का। अनुकरण और नकल करने की थ्योरीज में अगर मैं बात करूं तो आपने एक नाम और सुना होगा, जॉर्ज मीड का, ठीक है। इस बच्चे जो है भाई अनुकरण के माध्यम से भी सीखते हैं, और DSSB में 2019 में पूछा गया ये सवाल है,
ठीक है, अनुकरण वाला। तो बेसिकली क्या है, यहाँ जो सोशोलॉजी है MPPSC में ये पूछ लिया है, तो टायर्ड का नाम आएगा यहाँ पे, टायर्ड। अब देखो इनको भी ध्यान रखना है आप लोगों को, इन दो विद्वानों के बारे में भी। अपचारी उपसंस्कृति का सिद्धांत, अच्छा टायर्ड ने बेसिकली क्या बताया ये भी ध्यान से सुन लीजिए ना, टायर्ड ने क्या बताया, इसने टायर्ड ने बताया है ना, यदि एक व्यक्ति दूसरे को अपराध करते देख लिया तो वह उसका अनुकरण कर लेगा, ये टायर्ड ने बोला। अपचारी उपसंस्कृति का जो सिद्धांत था ये कोहन ने कहा, कोहन ने बेसिकली क्या बोला, कोहन ने कहा कि सामाजिक स्तरण को निम्न स्तर का पायदान बताया, निम्न स्तर का पायदान बताया, निम्न वर्ग के कुछ जो सदस्य हैं उन सदस्यों में परिस्थिति जो होती है हताशा पैदा कर देती है, परंतु अपनी हताशा को दूर करने के लिए अपराध में अगर हम बात करें तो वो चीजें जो है संलिप्त हो जाती है, बल्कि कुछ वैकल्पिक मानदंड और मूल्य को विकसित कर लेता है, तो समूह या वर्ग में प्रतिष्ठा अर्जित कर लेता है, ये बेसिकली कोहन का है। एक बार म्यूट रहिए। आत्महत्या का सिद्धांत आप कहेंगे किसका, दुर्किम का है ना, तो आत्महत्या के कारणों का वर्णन अगर आपको कहीं मिलता है तो वो आत्महत्या के सिद्धांत मिलता है दुर्किम का। ऑप्शन एक बार बता दीजिए कौन सा करेक्ट गया है, ऑप्शन सेकंड बी सर, यस सर, बी, ठीक है। चलिए और भी सवाल पर बात करते हैं, यहां पर देखिए 18वीं-19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के प्रारंभिक दिनों के दौरान जनजातीय विद्रोह का सही अनुक्रम बताइए। अच्छा जी, ये सवाल पूछ लिया है 18वीं और 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन में प्रारंभिक दिनों के दौरान जनजातीय विद्रोह, जनजातीय विद्रोह। देखिए यहां अगर मैं बात करूं 18वीं-19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के दौरान में, ब्रिटिश शासन के प्रारंभिक दिनों में उस दौरान जनजातीय विद्रोह का सही अनुक्रम जो है कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, कच्चा नागा बगावत और मुंडा में बिरसा आंदोलन। देखिए ये ना एक विद्रोह है, आपको बता दूं मैं यहाँ पर, आप लोग इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा सुने रहिएगा, बाकी मैं जब इसको करवाऊंगा तो वहां पर आप लोगों को समझ में आएगा। कच्चा विद्रोह कब आया था तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 की प्रक्रिया में अगर हम बात करें तो उस संबंध में हम इसको कच्चा विद्रोह के रूप में जानते हैं, कच्चा विद्रोह के रूप में, ठीक है। 1857 तो सिपाहियों का आंदोलन था ना, कोल, यस सर। अच्छा एक मिनट, कोल विद्रोह को आप लोग नोट करिए, लिखिए, अच्छा कोल विद्रोह जो है, कोल विद्रोह 1829, संथाल विद्रोह 1855 और कच्चा नागा बगावत, कच्चा नागा बगावत 1819 है ना, 1819। और आपने एक नाम तो ये सुना ही होगा है ना, मुंडाओं में बिरसा आंदोलन सुना है, किसान आंदोलन था 19वीं शताब्दी में हुआ था, जिसमें आखिरी में हुआ था ये, लास्ट में हुआ था, तो 1894 लगाइए इसको है ना, इसको लगाइए आप लोग 1894। अब जरा मुझे बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है, 94, 1829 में कोल मैंने किया, 1895 में मैंने संथाल बोला और 1819 में मैंने क्या बोला है, कच्चा कच्चा नागा बगावत है ना, कच्चा नागा बगावत, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए बताइए। ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ये क्रम ही तो लगाना है आपको इसमें, इसमें ही लगाना है, तो इसमें सर सी आ रहा है, ऑप्शन सी आ रहा है, हाँ इसमें तो सी है, अगर वैसा ऑप्शन होगा ना 1, 2, 3, 4 तो सर वो नहीं दिख रहा है इसमें, अच्छा कूट वाला, हाँ, नहीं तो यहाँ जो है आपका ये ऑप्शन सी ही करेक्ट जवाब है, ओके सर, ऑप्शन सी ही करेक्ट जवाब है,
है ना, ऑप्शन सी ही करेक्ट जवाब है। क्वेश्चन नंबर 43 लास्ट सवाल है, ये थोड़ा देख लो। बहुसामुदायिक समाज में अल्पसंख्यक समूहों में प्रायः बहुसंख्यकों में अविश्वास उत्पन्न हो जाता है, क्या ये बात सही है? बहुसामुदायिक समाज में क्या ये बात सत्य है? हाँ सर सत्य है। ओके, आप कह रहे हैं ये बात सत्य है तो फिर ठीक है कि बहुसामुदायिक समाज में ना अल्पसंख्यक समूहों में प्रायः बहुसंख्यक में अविश्वास उत्पन्न हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जाहिर सी बात है, बहुसामुदायिक समाज होगा, ढेर सारे लोग होंगे उसमें, अलग अलग समुदाय के लोग होंगे तो वह अविश्वास उत्पन्न हो जाएगा, जाहिर सी बात है। अलग अलग एक्टिविटी आप अगर ले लोगे तो उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, एक एक्टिविटी पर काम करोगे तो ठीक रहेगा और ये उचित भी है एक एक्टिविटी पर काम करना। फिर कहता है कारण कि अल्पसंख्यक समूह अथवा पूर्वाग्रह और भेदभाव के शिकार होते हैं। देखो ये भी तो मैं आप लोगों से कहूंगा करेक्ट है भाई, ये करेक्ट है, है ना, ये भी करेक्ट है। अब देखो बात आती है व्याख्या का, तो आप ये कह सकते हो कि पूर्वाग्रह और भेदभाव के कारण जो अल्पसंख्यक शिकार हुआ है ना, तो इसलिए ऊपर में कह सकते हो आप कि अल्पसंख्यक समूहों के लिए बहुसंख्यक में अविश्वास उत्पन्न हुआ है, रीजन ये भी है ना, इसमें रीजन ये भी है, आप व्याख्या कर सकते हो। ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखिए, ठीक है, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है ये भी कल करवा देंगे आप लोगों को। और ये देखो इसमें से जो जो तुम्हें आप लोगों को लगे कि ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये अच्छा है, जैसे मुझे एक क्वेश्चन अच्छा लगा है यहाँ पे अभी तक में जनजाति विद्रोह को लेकर, उस पर मैं आप लोगों को एक जो है उसका पूरा नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा और उसकी एक क्लास में आप लोगों को लूंगा। तो इतने ही विद्रोह नहीं, और भी विद्रोह है, ठीक है, जनजातियों के लिए, तो इस पर मैं क्लास लूंगा आप लोगों की। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अभी जो है हम लोग आज आप लोग ज्वाइन करिएगा 8:30 बजे वाली क्लास को, ठीक है, और 7 बजे में तो आप लोगों का वो चल रहा है बेसिकली एक्ट चल रहा है, और आज एक्ट पे और भी कुछ एक्ट हैं, पोस्को एक्ट है और भी एक्ट है, उस पर हम लोग थोड़ा सा विचार विमर्श करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, जी सर, थैंक यू, चलिए।